आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संभवतः पहली बार भाजपा का यह रूप देखने को मिला है, जब पूरे जोर शोर के साथ सत्ता के विरुद्ध उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया गया है। भाजपा द्वारा आगामी 2023 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जोर आजमाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली आम सभा के लिए कुछ बिंदु में तय किए गए अनुमति के नियमों को लेकर भाजपा द्वारा इसे लोकतंत्र पर कुठारघात बताते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन कर जेल भरो की मांग की गई। जेल भरो आंदोलन में पहली बार जगह जगह भाजपा के बड़े राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नजर आए और जेल भरो आंदोलन में कार्यकर्ताओं में जोश भरते देखे गए। सरगुजा जिले में भी भाजपा द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर लोकतंत्र को कुचलने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है और जिस तरीके से नागरिकों के अभिव्यक्ति को और आंदोलन के अधिकार को इस सरकार ने बंधक बनाया है, उसके खिलाफ में ये आज का एजिटेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें आंदोलन करने से पहले, कोई प्रदर्शन करने से पहले या कोई भी कार्यक्रम करने से पहले 19 बिंदु में अनुमति लेना अनिवार्य है, वो भी सशर्त। तो जिसके खिलाफ में आंदोलन कर रहा है उसी से पूछना पड़ेगा कि आपके खिलाफ आंदोलन किया जाए या ना किया जाए। वही कलेक्टर, वही SP, वही SDM, उसके पास ही जाना पड़ेगा। तो जो सरकार के खिलाफ आंदोलन होंगे उसमें सरकार से पूछ कर यदि आंदोलन किया जाए, उनके शर्तों पर किया जाए, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो ये सरकार 4 साल के अंदर इतना बदनाम हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और इसके खिलाफ इतना व्यापक जनाक्रोश है कि इस जनाक्रोश को दबाने के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जन यहाँ पर जो चौपाल, हर जगह पर जो समस्या निवारण शिविर होते थे वो बंद हो गया, जो मुख्यमंत्री निवास में लोगों की सुनवाई होती थी, डेली दरबार लगता था, वो बंद हो गया। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री 4 साल बाद जब जा रहे हैं तो माइक छीना जा रहा है और बेटियों को कहा जा रहा है कि बैठ जाओ, नेतागिरी मत करो। तो ये जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है उसके खिलाफ में BJP एजिटेशन कर रही है। आज हजारों लोग यहाँ गिरफ्तारी दे रहे हैं, प्रदेश भर में लाखों BJP के कार्यकर्ता गिरफ्तारी दे रहे हैं। लोकतंत्र को पुनः बहाल किया जाए, ये BJP की मांग है। भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पूर्व में घोषित जेल भरो आंदोलन किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कलेक्टोरेट के सामने बैठकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 19 बिंदुओं का आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई भी कार्यक्रम करने से पहले अनुमति लेने की बात कही गई थी, जिसका विरोध भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस आदेश को भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या होना बताया है। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने एवं कहने की आजादी है। वहीं विपक्ष के लोगों सहित कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठन, आमजनों के द्वारा भी अपनी बातों और संदेशों को कार्यक्रमों के माध्यम से रखा जाता है, जिसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली की जाती है, जिसे दबाने का प्रयास प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसकी घोर निंदा भाजपा ने की और इसके विरोध में आज जेल भरो आंदोलन किया गया। 22 अप्रैल को कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने एक आदेश पारित किया था 19 बिंदु का, जिसमें कोई भी कार्यक्रम करने से पहले उनको प्रोफार्मा के तहत विभिन्न प्रोफार्मा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिए गए थे, उसमें भर करके और अनुमति लेना था, जो कि कहीं ना कहीं ये शो करता था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ख़ास तौर से असहमति का सम्मान है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो अपनी बातों को, अपने संदेश को, या कर्मचारी हैं तो अपने विषय को अलग ढंग से कार्यक्रमों के माध्यम से रखते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम को करने से, खासतौर से धरना, प्रदर्शन, ऐसा उग्र आंदोलन जो हुआ लोकतंत्र में होता है, उसको दबाने का, कुचलने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और आज जेल भरो आंदोलन उसके खिलाफ किया है। यहाँ एक से आए कुछ लोग थोड़ा विलम्ब से पहुँचे, तो वो उसमें पीछे से आए। गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है,
और यदि कहीं कुछ होगा तो उसको देखेंगे। वहीं इस जेल भरो आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी के 1000 से अधिक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अस्थायी जेल में रखा गया। राज्य शासन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन देकर आवश्यक जानकारियां देकर किसी भी धरना रैली जुलूस के पूर्व अनुमति प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि पुलिस और प्रशासन के पास सारी जानकारियां हों और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और कला केंद्र मैदान को अस्थायी जेल बनाया गया था और अस्थायी जेल में इनकी गिरफ्तारी की गई है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। कितनी संख्या में लोग होंगे जिन्हें लगभग कितनी संख्या एग्जैक्ट संख्या अभी मेरे पास आई नहीं है, फिर भी अनुमान के आधार पर बोल सकता हूँ कि लगभग 700-800 व्यक्ति हैं। क्या धाराओं धारा 151, 107, 16 CRPC के तहत कार्रवाई की जा रही है।